आज की इस वीडियो में हम अपने प्लेगरिज्म को रिमूव करेंगे और एआई डिटेक्शन टूल की मदद से एआई को चेक करेंगे कि अगर जो हमने कंटेंट लिखा है, हमने अपना आर्टिकल लिखा है, वो उसमें कितने परसेंट एआई आई है। हमने अपना कंटेंट कौन सा लिखा है, प्रोफेशनल कंटेंट लिखा है, जो कि मैंने इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरह हमने एक बिल्कुल प्रोफेशनल किस्म का आर्टिकल जनरेट करना है। हमने आर्टिकल जनरेट कर दिया, इस वीडियो में हम अपने आर्टिकल की एआई डिटेक्शन को चेक करेंगे, प्लेगरिज्म को चेक करेंगे, उसके बाद अगर कुछ परसेंट आ भी जाती है तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर आके हमने सबसे पहले, ये हमारे पास एक प्रोफेशनल आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऊपर हमारी आउटलाइन है, यहाँ से ये हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है और ये देखें, ये कंप्लीट हमारा प्रोफेशनल किस्म का एक आर्टिकल कंप्लीट तैयार है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद आपने एक वेबसाइट खोल लेनी है, कॉपी लीक्स, ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। उसके बाद आपने एक ओपन कर लेनी है एआई कंटेंट डिटेक्टर और उसके बाद GPT-0 और 0GPT, GPT-0 और 0GPT दो अलग अलग किस्म की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जाना है, यहाँ पर जाने के बाद हमने कॉपी कर लेना है, इसको हमने कॉपी कर लेना है, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर कहते हैं चेक, तो वो चेक करके आपको बता देगा कि इसमें कितने परसेंट एआई है। तो यहाँ पर वो आपको बता देगा 90% एआई है, ठीक है, 90% एआई उसने डिटेक्ट कर लिया। हमने एक वेबसाइट के ऊपर नहीं रहना, हमने चार पांच वेबसाइटों के ऊपर चेक करना है। उसके बाद एक बेस्ट एआई कॉन्टेंट डिटेक्टर, यहाँ पर आपने अपना कंटेंट पेस्ट करना है और आपने एनालाइज टेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको 1500 करेक्टर देता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट, ये तकरीबन आपको 98-99% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट ही देता है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को इनकरेज करता है। उसके बाद हम यही कॉन्टेंट को GPT-0 पे चेक करते हैं, यहाँ पर जाते हैं कंट्रोल वी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर, और हम यहाँ पर इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो वो हमें कितना रिजल्ट देता है, योर टेक्स्ट में इंक्लूड पार्ट्स रिटन बाय एआई, तो आपका जो येलो येलो टेक्स्ट है वो क्या आ गया है, एआई टेक्स्ट। तो मतलब इसने भी तकरीबन आपको 90-95% टेक्स्ट क्या दे दिया है, एआई। यहाँ पर हम जाके अपना टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये इसने कितने परसेंट दे दिया है, 86.8% इसने टेक्स्ट को क्या दे दिया है, एआई, आपके करेक्टर को एआई दे दिया है। तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हो चुका है, एआई जनरेटेड हो चुका है, काफी हद तक 90-95% एआई जनरेटेड। अब हमने इस एआई को रिमूव कैसे करना है, ठीक है जी, जो आपने टेक्स्ट पेस्ट किया हुआ है, जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया हुआ है, आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखें 197 वर्ड्स हैं, यहाँ पर जब आप अपनी तरफ अपने पास खोलेंगे तो आपके पास आएंगे 125 वर्ड्स। तो ये किलबोर्ड प्रीमियम वर्जन का, मैंने इसको प्रीमियम वर्जन एक किस्म का परचेज ही किया हुआ है, तो अगर आप फ्री में इसको परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा और उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं कि आप किलबोर्ड को कैसे प्रीमियम वर्जन में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपने इसको फ्रेज करना है, फ्रेज करने के बाद यहाँ पर ये फ्रेज होगा, फ्रेज होने के बाद यहाँ पर जो कंटेंट आएगा आपने उस कंटेंट को दोबारा से चेक कर लेना है उन वेबसाइट्स पे। तो उन वेबसाइट पे जाके हम कंटेंट को चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो एआई है कितने परसेंट रिमूव हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट करना है, तो ये फ्रेज ऑनलाइन क्या करेगा, यहाँ पर देखें इसने ये वर्ड को चेंज कर दिया, इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं दिस इज ह्यूमन टेक्स्ट, तो आपका 59.3% प्रोबेबिलिटी ऑफ ह्यूमन आ गया कम तकरीबन। हम यहाँ पर जाके राइटर पे चेक करते हैं, इस पे जाके हम जब टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो ये भी आपको तकरीबन 100% दे देगा कि ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट। GPT-0 पे जाते हैं तो यहाँ पर ये क्या टेक्स्ट आपको दे देता है, तो हमने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको योर टेक्स्ट इज लाइकली टू बी रिटर्न एंटायर्ड बाय अ ह्यूमन, तो आपका टेक्स्ट तकरीबन वो कह रहा है कि क्या हो गया है, ह्यूमन हो गया है। तो हम इसमें भी चेक कर लेते हैं GPT-0 में, तो ये टेक्स्ट क्या कहता है, योर टेक्स्ट इज ह्यूमन, 18.84% आपका AI डिटेक्ट किया उसने, बाकी सारा वो कह रहा है कि आपका क्या हो चुका है, ह्यूमन। तो हम अनडिटेक्टेबल AI में भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास 250 वर्ड्स होंगे और आप जीमेल से लॉगिन हो जाए, तो हम यहाँ पर जीमेल से लॉगिन हो जाते हैं, तो इसमें एक दिन में आपके पास 250 वर्ड्स को ही वो कन्वर्ट करेगा, लेकिन जो ये कन्वर्ट करते हैं आपके पास 0% आ जाती है AI। तो ये अनडिटेक्टेबल है तो बहुत अच्छा, लेकिन फ्री में ये थोड़ा सा 250 वर्ड्स आपको पर डे के देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट आने के बाद इसको चेक करते हैं, ह्यूमनाइज करते हैं, तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट आपको जनरेट करके देगा ना, तो ये बहुत ही एग्जैक्ट आपको जनरेट करके देगा
और इसमें जो डिटेक्टेबल एआई होगी वो तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो इसने टेक्स्ट जनरेट करके दिया है, ये एक बहुत अच्छा टेक्स्ट जनरेट करके दे दिया है। इसने GPT-0 से भी चेक किया, ओपन एआई से भी, राइटर से भी, क्रॉस प्लग से भी, कॉपी लीक से भी, सैपलिंग से भी, तो मतलब इसने 7-8 सॉफ्टवेयर से चेक करके आपको ये आंसर दिया है। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगर आपको ना समझ आए कि हमने कैसे चेक करना है, तो आपने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद हम इस टेक्स्ट को करेंगे ख़त्म, ठीक है, इसको करेंगे क्लियर। यहाँ पर हम टेक्स्ट को करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जब हम इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल 100% ह्यूमन होगा। अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो वैसे ही 100% है। यहाँ पर GPT-0 में हम देख लेते हैं, GPT-0 में, ठीक है, यहाँ पर आते हैं कंट्रोल वी, इसको हम जब गेट रिजल्ट करते हैं तो ये आपको क्या देगा, पहली दफ़ा भी इसने ह्यूमन दिया था और अभी भी इसने ह्यूमन दिया, यहाँ पर कुछ परसेंट ह्यूमन नहीं था। तो हम देख लेते हैं कि कितने परसेंट ह्यूमन आ जाता है। यहाँ पर जाते हैं, कंट्रोल वी करेंगे, आप डिटेक्टेबल टेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने जो टेक्स्ट आएगा ये बहुत ही कम ह्यूमन टेक्स्ट आएगा, मतलब AI जनरेटेड बहुत कम हो जाएगा और टोटली आपका ह्यूमन टेक्स्ट हो जाएगा और AI आपका क्लोज हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इससे बहुत अच्छी वीडियो आगे आपके पास आने वाली हैं।